अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अभी देख रहा था हमारे घर के सामने एक शादी के लिए देखे पकाई जा रही है, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दो। वैसे ये जो मंजर है काफी ना पुराना किस्म की याद आती है कि जब हम छोटे से होते थे तो शादियां हुआ करती थी जिस तरह देखे पका करती थी, तो वो मंजर है तो अभी आपको भी दिखाता हूँ। तो ये जी हमारे घर के सामने देखे पक रही है, ये वैसे इस तरह तो पुरानी शादियों पे हुआ करता था, तो आज ये मैंने बड़ी देर बाद देखा है कि किसी शादी पे वो घर ही देखे पका रहे हैं। क्या खूबसूरत मंजर है। तो इस तरह शादियां होती थी तो रात सारी वो जागते रहते थे और देखे पकाते थे और बच्चे खेलते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था मंजर वो। आजकल तो होटलों में चली गई हैं शादियां सारी, काफी ज्यादा लोगों की जो इस तरह की है वो कम हो गई है, तो ये कभी कभी देखने को मिलता है ये सारा। तो मेरा ख्याल है कोई चार के दिन हो गए हैं, तो इसे भी नहीं मैंने चलाया, तो आज इसे भी चला के देखेंगे। पता नहीं स्टार्ट होती है कि नहीं होती, तो मैंने स्टार्ट भी नहीं की, तो मेरा गला अभी ठीक नहीं हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो रेशा काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो दवाई वगैरह मैंने अभी ली नहीं है। तो ये सब्जी वाला हमारा आ गया भाई, सब्जी वाला मैंने कह दिया फोटो उठवा, तो अभी इसकी बातें आ रही है भाई से। ये देखिए तो आप सोच रहे होंगे कि इस पैकेट में क्या है, तो गैस करें क्या होता है, अब खुद बताएं। मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये मैं फैसलाबाद से लेके आया, तो आप खुद गैस करें ये कहाँ की पैकिंग होती है ऐसी। तो ये क्या थी, चलिए गैस क्या किया, क्या चेजर? हाँ हाँ चेजर से लेके आया। क्या लेके आया तो ये आपको नहीं बताओ, तो अभी मैं आपको बताता हूँ क्या लेके आया। तो मैं लेके आया हूँ एक अंदर जैकेट सर्दियों के लिए, मैं जैकेट लेके आया हूँ, तो अभी आप पहन के दिखाता हूँ। तो कैसी लगी ये आपको जैकेट, लग रहा है आपका भाई की रटाई? तो ये लेदर टाइप स्टफ है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा स्टफ। इसका फायदा ये होता है कि ये एक बाइकिंग में काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, ताकि बाइक अगर बंदा चला रहा हो ना, तो एक तो मिट्टी अंदर इसके अंदर नहीं जाती, दूसरी और होता है कि हवा अंदर नहीं जाती, तीसरी होता है कि अगर बारिश वगैरह हो तो ये गीली नहीं होती, ऊपर ऊपर से बारिश निकल जाती है। तो अगर खुदा ना खासा कभी बाइक से गिर भी जाए तो उम्मीद है कि रगड़ वगैरह नहीं लगती। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं के साथ आप दुआएं करते रहें कि मैं कभी बाइक से गिरूँ ना। और जैकेट बताएं कैसी है, काफी मुनासिब कीमत में मिल गई है, तो आप जाके वहां से अगर आपको पसंद है तो ले सकते हैं। इस तरह की जैकेट है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसमें एक ये पॉकेट है, एक ये वाली पॉकेट, पॉकेट तो नहीं है खैर, तो ये वैसे ही डिजाइनिंग के लिए। यहाँ पे एक पॉकेट है, एक पॉकेट इधर है, एक पॉकेट इधर है, इधर पॉकेट नहीं है, और यहाँ पे भी उन्होंने लगाई हुई है अगर बाद में खुला वगैरह करना हो तो। तो अभी शाम के बज गए तकरीबन चार, तो मैं पीने लगा हूँ चाय, चाय पी के फिर इंशाल्लाह बाइक निकालेंगे और चेक करेंगे स्टार्ट होती कि नहीं होती। तो ये मेरे पीछे चाय पड़ी है ऊपर, हमने मजदूर लगाया सफाई के लिए, अभी मैं उसे चाय देने जा रहा हूँ। यहाँ पे भी चल रही हैं सफाइयाँ, तो सारे चार पहियाँ वगैरह वो बाहर निकाली हुई हैं, और यहाँ पे छत सारी धोती हुई है। सुबह मैं आया था तो छत काफी ज्यादा गंदी थी, अभी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सारी छत धोती है। अभी वो कमरा है, स्टोर है हमारा, वो धोया जा रहा है। चाय वगैरह तो मैंने पी ली है, तो बाइक मैं निकालने लगा तो काफी ज्यादा गंदी हुई है, तो पहले मैं इसे साफ कर लूँ, तो फिर स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। और मुजम्मल भाई को भी मैं बताने लगा बाहर, तो वो कह रहे थे आज कोई वीडियो वगैरह बनानी है, उन्हें भी साथ ले जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाएंगे। मुजम्मल भाई तो बाहर कहीं गए हुए हैं तो मोटरसाइकिल लेके, तो मैं अभी इसे लगा के देता हूँ सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं। तो यहाँ से खड़ी क्या प्यारी लग रही है, तो वैसे आपको कैमरे पे शायद ना लग रही हो, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। ये अभी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही, तो अभी इसे अली भाई की दुकान पे लेके जाते हैं, वहां से देखते हैं कोई बच्चा वगैरह मिलता है तो धक्का वगैरह लगा के स्टार्ट करते हैं। तो सर्दियों में बैटरी इसकी ना अगर ज्यादा देर ना चलाओ तो वो बैटरी बैठ जाती है, ड्रेन हो जाती है, तो फिर स्टार्ट नहीं। एक सलब लगा है उसे, स्टार्ट हुई है लेकिन उसी वक्त बंद होगी, दोबारा स्टार्ट हुई फिर बंद होगी, तो उसके बाद स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अभी अली भाई की दुकान पे लेके चलते हैं। सर्दियों में ऐसे दिन भी आते रहते हैं।
तो शुक्र है स्टार्ट हो गई है दूसरे चल दी। तो शुक्र है स्टार्ट हो गए दूसरे धक्के में, अभी लेके आएंगे 15 हो जाए वापस। नहीं ज्यादा आ गया। बादला कर दी सांस चढ़ गया। बादला करी। मदमल भाई को कॉल की थी तो वो पहले चले गए अकेले ही, तो मेरी भाई स्टार्ट हो गई तो अब साहब भाई के साथ हम दोनों जाने लगे वहाँ पे। तो वहाँ यार पास ही हमारे कॉलोनी एक बनी हुई हूँ तो वहाँ पे गए तो साहब भाई भी आ गए, तो अभी हम चलते हैं बाहर। तो अभी हम आ गए कॉलोनी पे, तो मेरे पीछे मदमल भाई है, साहब भाई और जो फैसल भाई। तो मदमल भाई आईफोन किराए पे लेके आ जाए, रोजाना किराए पे आईफोन लेके आ जाते हैं और अपनी और फैसल भाई की पिक्चर वगैरह खींच के लेके जाके फेसबुक पे लगा देते हैं। नहीं एक बात बता, मुझे क्या कि तू खुद अकेला क्यों आ गया? मैंने आपको आवाजें दी थी। हाँ आवाजें देरी लगा रहा है। तू पहले ही मुझे कह रहा है कि मेरे साथ जाना किराए पे, इसलिए कह रहा है पार्टी ना करानी पड़ेगी। खबर बड़ी प्यारी बन रही है ना, आप फोटो बहुत प्यारी आ रही है, खबर बन बड़ी प्यारी है। मतलब फोटोग्राफर है वैसे तो, ये देखें जी फोटो इसकी बड़ी प्यारी फोटो है, मेरी भी खींचनी है भाई। तो ये जी मेरी अभी फोटो एडिट हो रही है। वाओ क्या ही फोटो आई है। ओहो पहले कैसी थी, पहले वो भी दिखाओ। तो ये ओरिजिनल फोटो है और ये एडिटिंग के बाद। वाओ क्या बात। इसने आईफोन किराए पे लिया है। आईफोन किराए पे ले के शौक पूरे करने वाले लोग, शौकी बातें वाले। आप क्यों किराए पे ले लेते? उनके ऊपर लोगों को इत्माद है ना मदमल भाई। ये आईफोन किराए पे लेके आए हो ना? जी ठीक है। तो अभी पीछे फोटोग्राफी चलती रहेगी, तो अभी हमने इनके ऊपर छापा ही मारा है किस्म का। ये किले किले आ गए थे फोटो खींचने के लिए, तो काफी प्यारी कॉलोनी वैसे बनी हुई है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें 5 बज चुके हैं, तो अभी भी तस्वीरें वगैरह चल रही हैं, साहब भाई की चल रही हैं, मदमल भाई की और मेरी भी। तो सूरज भी नीचे चला गया है, तो काफी ज्यादा सूरज नीचे चला गया। तो अभी बाइक मेरी उधर खड़ी है, वो उधर मेरी बाइक खड़ी है, तो यहाँ पे हम फोटोग्राफी अभी कर रहे हैं। फोटो खत्म ही नहीं हो रही इनकी, खत्म ही नहीं हो रही। हाँ अच्छा बंद कर दे, बंद जाए गर्ब होगी तो हम वापस जाने लगे हैं। मदमल भाई ने तो अपना मोटरसाइकिल निकाल लिया, तो मैं भी निकाल दूं अपना, तो मेरा बाइक वहां पे खड़ा है। तो अभी पता नहीं स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, काफी देर से अगर तो उसका स्विच ऑन हुआ तो फिर धक्का लगाना पड़ेगा। अभी जाना ना, नहीं स्विच बंद ही है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। सीट की ठंडी ठंडी लग रही है, क्लच पकड़ी, तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं होता कि नहीं। वापस आ गए हैं, तो अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज वाली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लेते रहें, अल्लाह हाफिज़।